फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप नीट 2021 की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आपने नीट का एग्जाम दिया और आप अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। नहीं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए, आफ्टर दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के अंदर कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ताकि आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज गाइस पॉसिबिलिटी नहीं है। तो काउंसलिंग की यदि आप सोच रहे हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको यही उठाना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो तैयार करवाने हैं और फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको काउंसलिंग प्रोसेस ऑफिस नोटिस से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे, आप किसी भी अपडेट से वंचित ना रहे। तो गाइस, अब हम चलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ। तो गाइज, अगर आप काउंसलिंग में अभी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब एमसीसी जो है वो काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी और जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो स्टेट जो है पर्टिकुलर स्टेट जो अथॉरिटी होगी वो काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी। तो सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप एमसीसी से काउंसलिंग करवाते हो चाहे स्टेट कोटा से आपकी काउंसलिंग होती हो, आप सभी को पहले ये जानना जरूरी है कि मिनिमम मार्क्स आपके है या नहीं है, आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका मिनिमम मार्क्स से कम मार्क्स है तो गाइस, ना तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना डोनेशन बेस पर अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट मिल जाए तो भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीट मिनिमम मार्क्स, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, मेरे थ्रू बनाया गया नहीं है, तो ऑफिशियल डेटा है, हम देखते हैं। तो गाइस, मिनिमम आपके जो मार्क्स है वो ये होने चाहिए कैटेगरी वाइज। यहाँ पर देखिए कैटेगरी दी गई है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यहाँ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है कि पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर कितना क्राइटेरिया रखा गया है। ये नीट यूजी 2020 का था, ठीक है, और ये नीट यूजी 2021 का है। अगर आप कंपेयर करना चाहे तो सीधे सीधे आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ओनली नीट यूजी 2021 की बात करूंगी। 2020 आपका जा चुका है तो ये इसकी बात करना ही गलत है, तो हम बात करेंगे नीट यूजी 2021 की। तो गाइस, अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है 50% मार्क्स रेंज है 138 टू 720 और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो जो क्वालिफाई कर गए वो है 7,70,857। उसके बाद गाइस, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ओबीसी की जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है 40% और जो मार्क्स रेंज है वो 108 टू 137 और जो टोटल क्वालिफाइंग करके गए हैं स्टूडेंट्स वो 66,978 स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए। ओके, नेक्स्ट है एससी कैटेगरी की अगर गाइस बात की जाए तो 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है, 108 टू 137 मार्क्स रेंज है और 22,384 जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। एसटी कैटेगरी की गाइस बात की जाए तो 40% जो है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है, 108 टू 137 मार्क्स रेंज रखी गई है, 9,312 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। उसके बाद गाइस, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 45% मांगी गई है और जो मार्क्स रेंज है 122 टू 137 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 313। ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 40% रखी गई है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और मार्क्स रेंज रखा गया है 108 टू 121 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई है वो 157 है। नेक्स्ट गाइस, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात की जाए तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% रखा गया है, मार्क्स रेंज है 108 टू 121 एंड गाइस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 59। उसके बाद गाइज, अगर हम बात करें एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की तो इसके अंदर जो 108 टू 121 मार्क्स रेंज रखी गई है और जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 14 है एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर। और अगर मैं ओवरऑल टोटल स्टूडेंट्स बात करूं जो कि क्वालिफाई कर गए हैं, जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो है 8,70,074 स्टूडेंट ऐसे है जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनका एडमिशन पॉसिबल है, चाहे उनका ऑल इंडिया कोटा से हो, चाहे स्टेट कोटा से हो, मैनेजमेंट कोटा से हो, एनआरआई से हो, किसी भी उसमें एडमिशन हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं एडमिशन करवाना
किसी भी कोर्स में, नीट के थ्रू जिन कोर्सेज में एडमिशन होता है, तो पॉसिबिलिटी है गाइस। ठीक है गाइस, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको सभी स्टेट्स की अपडेट चाहिए, चाहे ऑफिशियल नोटिस हो, रजिस्ट्रेशन हो या काउंसलिंग हो, वो आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।